पढ़ता लिखना जाने राजनीति भी हाथ धरे सतवा सतवा उसका पति आलसी खटिया पे आराम करे उपस्थित सभासदों हमारी पार्टी शुरू से ही नारी के सम्मान के लिए लड़ी है इसलिए आरक्षण जैसी चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ी इस बार हम अध्यक्ष के रूप में एक ऐसी नारी को देखेंगे जिसे लोगों ने भारी मतों से पंचायत के लिए चुना है उनका यह प्रभाव साफ जाहिर है मैं श्रीमती कजली बेन का नाम तालुका अध्यक्ष के लिए घोषित करता हूँ पिछड़ी जाति के लोगों को हम प्रतिनिधित्व नहीं देते ये बात कितनी खोखली है इससे ये साबित होता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा हमारी पार्टी की तरफ से मेरा नाम अध्यक्ष के रूप में निश्चित हुआ था फिर भी चाचा जी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मैं कजलीबेन राठौड़ के नाम को अनुमोदन देता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं बच्चू भाई मैं तुम्हें कल पंचायत की सब बातें बताता हूँ बैठिए बैठिए तो जैसे ही मैंने कजली जी का नाम लिया ना कजली जी अब तो कजली जी ही कहना होगा ना चाचा नमस्ते ठीक हूँ बैठिए अभी चाय पिलाती हूँ तो जैसे ही मैंने कजली जी का नाम लिया ना तो उस छेड़ा की सूरत देखने लायक थी अरे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया होगा उसने क्यों कजली जी उसे लगा जैसे भी इस बार अपक्ष लोगों को खरीद लेगा कैसे भी करके उसे अध्यक्ष बनना था ना लेकिन चाचा उन्होंने तो कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूँ अरे गिरगिट की तरह रंग बदलता हो वे तुम क्या समझती हो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा बिल्कुल नहीं उसे लगा अगर तुम जीत गई तो उसे बहुमत नहीं मिलेगा अरे बहुमत तो क्या खुद उसे उसकी पार्टी का भी एक वोट नहीं मिलेगा इसलिए ये सब नाटक है राजनीति के रंग धीरे धीरे समझ जाएगी अब तू छेड़ा साहब आपकी अध्यक्ष की कुर्सी चली गई फिर भी आप खुश हैं राजनीति प्यारे राजनीति कहते ऐसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये अनपढ़ गवार औरत काम कर पाएगी मुंह के बल गिरेगी ना तो पब्लिक सिंपति हमें ही मिलेगी ये हुई एक बात और दूसरी बात ये है कि जब तक वो कांच का खिलौना बैठा है ना उस कुर्सी पर बहती गंगा में हाथ धो ले अपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर रतनलाल है उसको बुलाओ कहना छेड़ा साहब ने बुलाया है जाओ कजली तुम यहाँ मेरी जगह यही है नहीं नहीं बेटी तुम्हारी जगह ये नहीं तुम्हारी जगह ये है ये नहीं इतने बड़े लोगों के सामने मैं वहां कैसे बैठूंगी बेटी उठो बैठो तुम अपनी कुर्सी पर अरे कुछ देखेगा तो कौवे को सोने के पंख लगा दिए और कहे नाच मोर की तरह मैं मीठी मीठी धुन सुनाता हूँ वाह मदारी जी क्या संभाल सकूंगी ये कुर्सी
अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके के 130 गांव में से 75 गांव में कुएं बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रतनलाल एंड कंपनी को दिया गया। काम तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास सबूत है। काम किए बगैर ही आपने 1 लाख रुपए का धनादेश उसे पास करवाया। नहीं नहीं। उसे पूरे पैसे क्यों दिए गए, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। देखिए, वो तो पेशगी के पैसे थे और कुएं बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो पहले वाले पंचायत के सदस्यों ने ही दे दिया था। अरे पेशगी तो वो पहले ही ले चुका था। ये रहा उसका नंबर, क्या है, 840047 डेटेड 8/7/1995। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे तो जैसा कहा गया वैसा मैंने किया। जैसा कैसे हो सकता है, जैसे ऐसा होगा क्या? आपका जो मन में आएगा आप करेंगे। सुनिए तो, मुझे मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। मैं सच कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं ठेकेदार से बात करूंगी। उससे क्या होगा, चाचा से कहो बात करें। चाचा से पूछो कितने मिले, 1 लाख में से इतने ही जितने छेड़ा को कॉन्ट्रैक्ट मिला। चलो हमें पैसे कभी ले नहीं, क्या बात कर रहे। चलो चलो तुम ये जगह यही है चाचा, यही है मेरी जगह। अब रोने से क्या होगा, मैं नहीं संभाल सकती। ये सब मेरी समझ के बाहर है। बेटी, ये राजनीति है, यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम अभी नई हो इसलिए छेड़ा इसका फायदा उठा रहा है। वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो, इसलिए उठो और बैठो इस कुर्सी पर। तालुका पंचायत का अध्यक्ष होना बहुत बड़े ओहदे की बात है। तुम्हें जहां एक और छेड़ा जैसे विरोधियों का सामना करना है, वहां पंचायत के लिए अपना उत्तरदायित्व भी निभाना है। ब्लॉक डेवलपमेंट के अफसरों से मिलकर अपने प्रांत की उन्नति के लिए कार्यक्रम भी करवाने हैं। जिला परिषद से अपनी पंचायत के लिए पर्याप्त धनराशि भी इकट्ठा करनी है। ये सब तो बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकूंगी। तुम समझती नहीं हो, अगर मैं अध्यक्ष बन गया तो हमारे 10 वोट तो अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन बहुमत के लिए ये काफी नहीं है। तुम्हें धीरज रखना चाहिए कजली। चाचा, मैं तो सोच रही थी अपने गांव में पाठशाला 10वीं तक बढ़ाऊंगी। पूरे गांव को 5 साल में शिक्षित करवाऊंगी। सारा गांव शिक्षित हो जाएगा अपना, है? अपने गांव से हाईवे तक का रास्ता पक्का बनवाऊंगी। ये सब अच्छे काम है ना, तो फिर अध्यक्ष बनकर भी ये सब काम मैं क्यों नहीं कर पा रही। व्यवस्था, हमारी व्यवस्था, जो बातें जरूरी हैं होना ही चाहिए ऐसा लगता है, तो खुद कभी मत करना, विपक्ष से करवा लेना, उन्हें ये करने के लिए मजबूर करना। इसके लिए सबसे पहले इन बातों का विरोध करो। तुमने विरोध किया तो बाकी व्यवस्था कर लेगी, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। सरिता, मुन्ना अब 7वीं में है ना? तो इसके बाद हाई स्कूल तो तालुका में है। इसके बापू कह रहे थे कि हमारे घर में 7वीं से आगे तक कोई नहीं पढ़ा, तो आगे इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं।
बस कहीं काम पर लगा देंगे इसे, और क्या। और तू तू क्या चाहती है? मैं तो चाहती हूँ कि ये आगे पढ़े, मगर कैसे होगा तू ही बता। तालुका में कौन देखभाल करेगा इसकी? देख तू तो पंचायत की सदस्य है, तू चाहे तो हो सकता है, मगर कैसे हो सकता है? हम अपने गांव में हाई स्कूल शुरू कर सकते हैं। अरे तो रोका किसने है? लेकिन पंचायत में प्रस्ताव ही नहीं है, तू प्रस्ताव रख सकती है, मैं मना नहीं करूंगी। मगर इतनी जल्दी हो जाएगा ये सब? जल्दी तो तुझे करनी है, अगर अगले साल तक हाई स्कूल चाहिए तो तू छेड़ा से बात कर ले। चाचा ये कुआं जितनी जल्दी हो सके हमें ठीक करवाना होगा, वरना इसमें गिर के तो किसी की भी जान जा सकती है। हाँ बेटी, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है। चलो बेटी। रतनलाल को भेज दो। जरा संभल कर, वो छेड़ा का आदमी है। नमस्ते कजली बेन। नमस्ते चाचा जी। हाँ जी रतनलाल, मैं और चाचा अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम्हें 75 गांव में कुएं बनाने का ठेका मिला है ना? हाँ जी। मुझे लगता है कि और 48 गांव में भी कुएं बनाने की जरूरत है। हम निविदा मांग रहे हैं, लेकिन इस बार मैं चाहते हुए भी तुम्हें ठेका नहीं दे सकती। क्यों? तुम्हारे खिलाफ इतनी शिकायतें आई हैं मेरे पास कि समझ में नहीं आता क्या करें। कैसी शिकायत है? मैं और सरिता मिलकर गांव की कुछ औरतों के साथ कुएं की जांच के लिए गए थे। उस कुएं की हालत तो ऐसी है कि उसमें से पानी निकालना तो एक तरफ, औरत घड़े के साथ ही कुएं के अंदर गिर के मर जाए। ये देखो छेड़ा जी ने भी कहा है कि 30 फुट की जगह 16 फुट की खुदाई की गई है, कुएं का बांध 14 इंच की जगह 9 इंच है, नीचे तक पानी ही नहीं है, पानी निकालने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। अब ऐसे कुएं किस काम के? अब अध्यक्ष होने के नाते इस शिकायत पर मुझे कुछ तो कदम उठाने ही होंगे ना। इसका नाम ठेकेदार की सूची से निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। देखिए अभी तक काम कहाँ पूरा हुआ है? लेकिन पूरे काम के पैसे तो तू पहले ले चुका है ना। देखिए वो छेड़ा के कहने पर। क्या कहा छेड़ा ने? उसने कहा था कि आपको पेशके के बारे में कुछ पता नहीं होगा और तू पूरा बिल दे दे और ले तवक्के दे कि पेशके के पैसे ले रहा हूँ। नहीं नहीं छेड़ा जी ऐसा नहीं कह सकते। अरे ऐसा ही हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम ही बताओ हम क्या करें। देखिए मैं 1 महीने के अंदर सारा काम पूरा कर दूंगा। पक्का? हाँ जी। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना रतनलाल, अगर मैं अपने घर के लिए उस कुएं से पानी निकालते वक्त मर सकती हूँ तो किसी दूसरी औरत को कैसे मौत के मुंह में ढकेल दूं? जो कुआं किसी भी दूसरी औरत के लिए मौत बन जाए वैसे काम के किसी भी कागजात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती, समझ गए? जो सुविधा हमारे फायदे की ना हो वो सुविधा एक खंडहर बन जाती है, उससे सबका नाम बदनाम होता है। अगर आप ये देखें कि हमारा नाम बदनाम ना हो तो उसमें आपका भी फायदा है। मैं पक्का समझ गया जी। अच्छा मैं चलता हूँ। और एक। हाँ जी। हमारे गांव की पाठशाला पर 1 मंजिल और बढ़ानी है, उसका खर्चा क्या आएगा? अरे आप पैसे की चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए इस नेक काम के लिए मेरी तरफ से चंदा समझ लीजिए। अच्छा मैं चलो। चलिए। एक गलती कर दी तूने बेटी, अगर इसने छेड़ा को शिकायत के बारे में बता दिया तो। कोई बात नहीं चाचा, छेड़ा बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये सब सच है, और ये शिकायत तो कभी भी लिखित बन सकती है। ओ छेड़ा साहब, मैं तो बर्बाद हो गया उस औरत की वजह से। शांत हो जाओ रतनलाल, शांत हो जाओ, उत्तेजना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छेड़ा साहब बात उत्तेजना की नहीं है,
तुम्हारे कहने पर मैं वहां काम पर रहा था, तुमने जितना मांगा उतना तुमको पहुंचाता रहा, और नतीजा क्या निकला? वो कुएं मुझे फिर से बनाने पड़ रहे हैं। तो मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। और जानते हो उसकी स्कूल की बिल्डिंग भी मुझे बनानी है फ्री में। ये तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, ये खुश खबर है। ये देखो छड़ा साहब, मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ मेरी जेब को इतनी बड़ी कैंची लग रही है और आप बोलते हैं बहुत बड़ी खुश खबर है। राजनीति से राजनीति कहते हैं। एक और एक दो ग्यारह, ग्यारह करके कैसे उस औरत का नक्शा उतारता हूं। तुम सिर्फ वो जरा स्कूल का काम चालू रखो। और पैसे? दुगने दिलवा दूंगा। कोई बात नहीं जी। जरा उसे उस कुर्सी से नीचे तो उतारने दो। सुन तो लिया होगा तुमने अपनी देवरानी का कहना। अब उसे कौन समझाएगा कि इस बहस में कुआं सूख गया तो क्या फायदा होगा? इसलिए कुएं का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, वरना कुएं से ही हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी मेम साहब की समझ में तो ये बातें आएगी नहीं। तुम तो समझदार हो, तुम क्यों नहीं समझाती उसे? देखो कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे देता हूं, उसके तो आगे पीछे कोई है नहीं। तुम तो बाल बच्चों वाली हो, भविष्य के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में। देखो रतनलाल, सवाल पैसे का नहीं है, पानी का है जो पूरे गांव से ताल्लुक रखता है। तो पैसे की बातों में बहकाकर मुझे घसीटने की कोशिश मत करो। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे कहने से मैं कजली के खिलाफ हो जाऊंगी? घर में आग लगाना चाहते हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर कजली मेरे परिवार की सदस्य ना भी होती ना, तो भी मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानती, समझे? अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव मोतीपुर में सातवीं तक ही स्कूल है, और यही हाल आसपास के गांव का भी है। तो मेरी ये विनती है कि इस स्कूल को दसवीं तक कर दिया जाए, ताकि हमारे गांव और आसपास के गांव के बच्चे हाई स्कूल तक पढ़ सके। मैं ये प्रस्ताव चर्चा के लिए रखती हूँ। इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने लोग हैं? मैं प्रस्ताव चर्चा के लिए मंजूर करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मैं इसका विरोध करता हूँ। कहिए। ये दरख्वास्त सही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हर गांव की पंचायत अपने लिए स्कूल की मांग करेगी तो हमारा निधि तो इसी में खत्म हो जाएगा। मोतीपुर से तालुका का रास्ता सिर्फ 2 घंटे का है, और वहाँ बसें भी चलती हैं। अगर जिन्हें सचमुच शिक्षा की आवश्यकता है तो यात्रा कर सकते हैं। पंचायत के पास और भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं करने को। ये तो विरोध हो गया, इसके समर्थन में मैं कहना चाहता हूँ। कहिए। चाचा जी कुछ कहें और हम कुछ बोले अच्छा नहीं लगता, फिर भी यूं ही सही। विपक्ष में जो बैठे हैं बुजुर्ग पंचायत सदस्य, चाचा जी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चाचा जी ठीक कहते हैं, 2 घंटे का रास्ता है, असल में 4 घंटे लगते हैं। चाचा जी ये भूल रहे हैं कि यहाँ का ज्यादातर इलाका आदिवासी है, जिनका गुजारा सिर्फ खेती पे है। उस काम के लिए बच्चों की भी जरूरत होती है, स्कूल नजदीक हो तो ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हर 10 गांव के लिए एक स्कूल होना जरूरी है। क्यों ना हम इसकी शुरुआत मोतीपुर से करें। इसके समर्थन में कितने लोग हैं? मैं ये प्रस्ताव मंजूर करती हूँ, आगे की कार्यवाही के लिए समिति नियुक्त की जाएगी। जो रतनलाल। नमस्ते। नमस्ते कजली बहन। काम कहाँ तक पहुँच गया है? बस प्रयोगशाला और पुस्तकालय का काम शुरू हो गया है। आइए।
अरे बेटा तजली बैठो। देखो जो तुम कर रही हो वो बुरा है या इसकी जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा मैं। मैं भी 4 बार सरपंच रह चुका हूं, तुम्हें घर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब ये अकेली रजनी कितना काम करेगी? उसे करना क्या पड़ता है, घर का काम ही ना, खेत का काम तो मैं ही संभालती हूँ। नखरे तो देखो अध्यक्ष साहिब आके क्या खेत संभाल दिया रे तू। परसों मैं वहाँ गया था, तुम्हें छोड़कर सभी थे। चाचा ने फौरन मीटिंग के लिए बुलाया था। और खेत में कुछ हो जाता तो बाकी सब थे ना वहाँ। सुनी के भरोसे छोड़ दो। और कल कहाँ थी जरा पूछो इसे। मुझ पर नजर रखने जाते ही हो तो दूसरा सारा काम क्यों नहीं संभाल लेते? देखा बापू, देख लिया नतीजा, और सिर पर चढ़ाओ इसे। अरे मैं तो कहता हूँ वापस भेज दो इसे। चुपचाप बैठ, इतना बड़ा नहीं होगा कि घर के फैसले तू अकेला कर सके। मैं मर नहीं गया अभी तक। बेटा कजली तू खेत की तरफ भी ध्यान दे। अब पंचायत की जो भी मीटिंग होगी सिर्फ एक दिन की होगी, इसके अलावा तू पंचायत का कोई काम नहीं करेगी। चाचा से मैं बात कर लूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है। प्रभु को बोलते हैं। अरे आइए आइए कजली जी आइए, क्या लेंगे आप, बैठिए जी। वो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जरा भाई लोग आप जरा। परसों स्कूल देखने सरकारी अफसर आ रहे हैं, चाचा तो है नहीं, वो पार्टी के काम से बाहर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ रहें, मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगी। मतलब काम हम करें और फायदा आपकी पार्टी को हो। प्रस्ताव तो आप ही की पार्टी से आया था ना। वो क्यों आया था मुझे मालूम नहीं, ऐसा मत समझो। अगर प्रस्ताव हमारी तरफ से था तो समिति में हमारा एक भी आदमी क्यों नहीं? देखिए मैं स्कूल के लिए आपसे मदद मांगने आई हूँ, आप करेंगे या नहीं? अगर आप जैसे बड़े लोग ऐसा करेंगे तो पंचायतों के नए सदस्यों पर इसका क्या असर होगा? ये सब बातें चाचा को तभी याद नहीं आई जब हमारे हाथ में सत्ता थी और वे विपक्ष में थे। हाँ? हम विपक्ष में हैं कजली जी, हमारा काम है तुम्हारे काम में टांग अड़ाना और वो हम अच्छी तरह करेंगे। कल मैं कहने वाला था, अब सुनती जाओ। मैं अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूं तुम पर। किस बात के लिए? रतनलाल से गैर कानूनी तौर पर चंदा लेने के लिए। किसने लिया? तुमने। तुमने स्कूल के लिए। जब लोग हमें चुनते हैं तो एक विश्वास के साथ चुनते हैं कि हम उनके साथ गद्दारी न करें, विश्वासघात न करें। लेकिन यहां खुलेआम विश्वास को पैरों तले कुचला जाता है। कुएं बनाने का काम दिया जाता है तो उसमें हजारों रुपए का गबन कर लेते हैं, और तो और बगैर कोई निवेदा लिए स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्डर को दिया जाता है। ये रावण राज चल रहा है, अपनी मनमानी चल रही। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमें ये शासन मंजूर नहीं है। हम इस तालुका पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख रहे हैं। देखो रतवा, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूं,
और तुम्हारे पिता का मित्र भी। तुम मुझे चाचा कहते हैं ना, तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ ऐसा करने दूंगा जो सही नहीं है? तुम्हें नहीं मालूम कि कजली आज हमारे इलाके की कितनी महत्वपूर्ण व्यक्ति है? तालुका पंचायत का अध्यक्ष होना कितनी जिम्मेदारी का काम है। वो आज अपने गांव के प्रति, तालुका पंचायत के प्रति और जिला परिषद के प्रति अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रही है। तुम्हें तो उस पर गर्व होना चाहिए। चलो कजली, हमें देर हो रही है। कई तूफान उठे और थम गए, कई तूफान उठे और थम गए, घर के और बाहर के भी। कजली की कश्ती ने पाया अपना किनारा जल में भी। छूटती रही और छूटती रही झंझानी से, पर कजली ना हिम्मत हारी, कजली ना हिम्मत हारी। नारी निर्बल नहीं है जग में, हाँ नारी निर्बल नहीं है जग में, शक्ति स्वरूपा है नारी, शक्ति स्वरूपा है नारी। हम आपके विश्वास प्रस्ताव का पूरा समर्थन करते हैं और हम अध्यक्ष पद की कुर्सी पर सिर्फ छेड़ा जी को ही देखते हैं। और अब वो क्या आए, माननीय सभी सभा सदस्य, आप में से जो लोग ये मानते हैं कि मैं एक सामान्य और अशिक्षित औरत अब अपने इस पद के लिए लायक नहीं हुई, तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि सामान्य और अशिक्षित तो मैं पहले से ही थी, तो फिर आपने मुझे इस अध्यक्ष पद के लिए क्यों नियुक्त किया? क्यों ये राजनीति, ये कोरम, इन शब्दों का मतलब समझाया? और आज जबकि मैं सब कुछ समझने लगी हूँ और इस पद पर रहकर कुछ करना चाहती हूँ, तो आप लोगों में अविश्वास पैदा हो गया? जब मुझे अपने आप में विश्वास नहीं था, तब आप महानुभावों ने मुझ में विश्वास रखकर ये पद पर नियुक्त किया, और अब जबकि मुझे विश्वास है कि मैं इस पद पर रहकर लोगों के हित के लिए कुछ कर सकती हूँ जिसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तब आप लोगों में अविश्वास पैदा हो गया? चलिए यही सही, हटा दीजिए मुझे इस पद से। पर क्या मेरे हटने से आपका विश्वास टिक पाएगा? देखिए, जितनी मेरी सोच है, जितना मैं समझ पाई हूँ, उसी को आपके सामने रखती हूँ कि हो सके तो लोगों का भला किसमें है ये सोचिए। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पद का फायदा उठा रही हूं, तो मैं अभी इस पद को छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या मेरे हटने से आपकी जीत हो पाएगी? स्वरूपा